एक काली पट्टी की कीमत तुम क्या जानो अभिसार बाबू, सामने सच हो तो नजरें फेर लेने में मदद मिलती है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा और आज आपके सामने कई खास मुद्दे। पहला मुद्दा होगा एक बड़ी पड़ताल, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी न्यूज चैनल्स में दखल देती है, कौन है वो पॉइंट पर्सन्स जिनके जरिए बाकायदा न्यूज चैनल्स पर दबाव डाला जाता है। बहुत अहम पड़ताल है, आपको हमारे साथ होना होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा, ये दो खबरें जिन्हें देखकर आप हो जाएंगे एंटी नेशनल, हम चाहेंगे इसके लिए आप अपनी आंखें बंद रखिए। न्यूज चक्र आज आपके सामने पेश कर रहा है एक बहुत बड़ी पड़ताल, जिसमें आप देखेंगे कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमारे न्यूज चैनल्स पर दबाव डालते हैं, अंकुश डालते हैं और कुछ हद तक कुछ पत्रकारों को लेकर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिससे उनके लिए मुश्किल पैदा होती है। सबसे पहले आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा इस शख्स की तरफ, इसका नाम है एबी। एबी वो पॉइंट पर्सन है जो लगातार संपादकों से और ब्यूरो चीफ्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। जब भी किसी न्यूज चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर चलती है या जब भी कोई पत्रकार अपने शो में या अपनी रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं से, सरकार से तीखे सवाल करता है, यह आदमी संपादकों से सीधे बात करता है और कहता है कि किस तरह से यह खबर बीजेपी के खिलाफ है। दबाव बनाया जाता है और यह दबाव कई लेवल्स पे होता है। दबाव इस तरह से बनाया जाता है कि पहले तो कहा जाता है कि इस खबर को ही हटा लिया जाए, यही नहीं उस रिपोर्टर को या उस एंकर को लेके भी बाकायदा प्रेशर क्रिएट किया जाता है और जब न्यूज चैनल उनकी बात नहीं मानता है तो न्यूज चैनल को एक खास तोहफा दे दिया जाता है और वो तोहफा है बॉयकॉट का। जी हां, न्यूज चैनल को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाता है और मैं आपको दो चैनल्स की मिसाल देना चाहूंगा, चैनल जिसका नाम ए है और चैनल जिसका नाम एन है। चैनल ए को पिछले 3 सालों में 2 बार बॉयकॉट किया गया है। बॉयकॉट के क्या नुकसान है मैं आपको बताऊंगा और चैनल एन को बीजेपी ने हमेशा के लिए बॉयकॉट कर दिया है। अब आप सोचिए, एक चैनल, एक न्यूज चैनल जिस पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता आना बंद कर दें, उसे कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हैं तो हम खबरिया चैनल और जब खबरिया चैनल पर रूलिंग पार्टी के नेता आना बंद कर दें तो खबर तो अधूरी रह जाएगी ना। इस ब्लैकमेल के मायने आप समझिए। और चैनल से संपर्क का माध्यम या न्यूज़पेपर से संपर्क का माध्यम और भी होते हैं। सरकार में 2 मंत्री हैं, 2 वरिष्ठ मंत्री, एक का नाम है पी और दूसरे का नाम है जे। पी और जे अलग अलग लेवल से संपर्क बनाते हैं अखबारों से, न्यूज चैनल से, और कोई भी ऐसी खबर जो कि सरकार के खिलाफ होती है वो ना जाने पाए वो ये बात तय करते हैं। समानांतर स्तर पर एक और खतरनाक खेल होता है, एडवर्टाइजर्स पर यानी कि विज्ञापन देने वाली कंपनियों पर प्रेशर डाला जाता है। एक बाबा जी हैं, उन्हें जानते होंगे आप, उन बाबा जी के जरिए उनके तमाम एड्स न्यूज चैनल्स पर आना बंद हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो लाइफलाइन है, आपकी कमजोर नब्ज है, उस पर हमला किया जाए जिससे आप काम ही ना कर सकें। तो जब चैनल का बॉयकॉट हो जाता है और जब चैनल को इसका नुकसान होने लगता है इन अलग अलग लेवल्स पर, तब ये संपादक एक बार फिर उस पॉइंट पर्सन यानी कि ए बी से बात करते हैं। लंबी बातचीत होती है और ये भरोसा दिया जाता है कि इस तरह की घटना फिर नहीं होगी और तब जाके वो बॉयकॉट खत्म होता है। मगर मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कुछ पत्रकारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। मिसाल नंबर एक, करण थापर। करण थापर अपनी किताब द डेविल्स एडवोकेट में बता चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का हवाला दिया था कि किस तरह से सरकार के अंदर एक पूरी सोच है जो उनके खिलाफ है। संबित पात्रा ने उन्हें यह बात बताई थी और आज तक करण थापर किसी न्यूज चैनल के साथ काम नहीं कर रहे हैं।
तीन और पत्रकारों के नाम पर गौर कीजिए, बॉबी घोष, हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि उनके लिए हेट क्राइम ट्रैकर कर रहे थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। हरीश खरे ट्रिब्यून के लिए काम कर रहे थे, ट्रिब्यून में उन्होंने आधार के खिलाफ स्टोरी की, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पौरंजय गुहा ठाकुरता इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में काम कर रहे थे, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जब उन्होंने अडानी के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी। और आज मैं आपको अपनी भी कहानी बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से एक सवा साल पहले मुझे मेरा चैनल डिबेट्स नहीं करने देता था। मैंने अपने संपादक से पूछा था कि क्या वजह है। काफी मान मनवल के बाद मेरे संपादक ने मुझे बताया कि अभिसार इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधा फरमान है कि जब तक अभिसार शर्मा डिबेट्स में आएगा, हम अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नुकसान संस्था को तो होता ही है, बल्कि उस पत्रकार के लिए कितनी बड़ी दुविधा हो जाती है। यानी कि आपके हाथ पांव काट दिए जाते हैं और आप पत्रकारिता भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से जो खेल खेलती है, ये हैं उसके खतरनाक परिणाम। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी को तो चाहिए ऐसे एंकर्स, ऐसे पत्रकार जो कि धर्म के नाम पर प्राइम टाइम में नफरत फैलाएं, जो कि हिंदू मुस्लिम को लेकर डिबेट्स करें, जो कि सवाल करें तो सिर्फ विपक्ष से करें, कांग्रेस से करें, जी हां, जिनके 50 सांसद तक नहीं है। और आज हमने आपके सामने प्रस्तुति क्यों की? क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट ट्रंप से सीएनएन के जिम कॉस्टा ने तीखे सवाल किए थे। नतीजा यह हुआ कि जिम कॉस्टा का व्हाइट हाउस एंट्री कार्ड उसे छीन लिया गया। सीएनएन वहां नहीं रुका, सीएनएन ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और सीएनएन के समर्थन में वहां का पूरा मीडिया उतर आया। फॉक्स न्यूज, जो कि प्रो ट्रंप माना जाता है, वो तक सीएनएन के पक्ष में आया। न्यूज चैनल्स न भूलें राहत इंदौरी के इन खूबसूरत शब्दों को, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। न्यूज चक्र में अब वो दो खबरें जिन्हें देखकर आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, आपके संस्कार खराब हो जाएंगे। और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम आपके सामने ये काली पट्टी पेश कर रहे हैं, लिहाजा ये काली पट्टी लगाइए और इस खबर को देखने की हिमाकत मत कीजिए। खबर नंबर एक, इस शख्स का नाम है आजम खान। आजम खान जो कि कौसर भी सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति केस में सरकारी गवाह है। इसने मुंबई सेशंस कोर्ट में एक बहुत ही शॉकिंग बयान दिया है। इसका यह कहना है कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व राजस्व मंत्री हरिन पांड्या की हत्या दरअसल बहुत ऊपर से आए आदेश का नतीजा है। उनका कहना है कि ये शख्स यानी कि डीजी वंजारा ने हरिन पांड्या की हत्या का आदेश दिया था। अब आप पूछेंगे कि हरिन पांड्या कौन है, डीजी वंजारा कौन है, हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आजम खान ने यह बात पहली बार नहीं कही है। इससे बहुत पहले उसने सीबीआई के सामने यह बयान दिया था, मगर सीबीआई ने उसे खामोश रहने के लिए कह दिया था। अब आपको बताते हैं कि डीजी वंजारा कौन है। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, डीजी वंजारा यहां पर गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये मुकाम है डीजी वंजारा का। डीजी वंजारा जो कि एक फेक एनकाउंटर केस में दोष मुक्त हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं हरिन पांड्या कौन है। हरिन पांड्या गुजरात के फॉर्मर होम और रेवेन्यू मिनिस्टर, हरिन पांड्या जिन्होंने गुजरात के दंगों के लिए सीधी उंगली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर उठाई थी। उन्होंने कंसर्न सिटीजन ट्राइब्यूनल के सामने गुप्त में बयान दिया था और आउटलुक को ऑफ द रिकॉर्ड दिए गए अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि 27 फरवरी 2002 को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुलिस को यह हिदायत दी थी कि दंगाइयों को अपनी भड़ास निकालने का मौका दिया जाए। और यही नहीं, उन्होंने आउटलुक से यह भी कहा था कि आपको किसी भी सूरत में मेरा नाम सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरा नाम सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक करेंगे, तो मुझे जान से मार दिया जाएगा।
सात महीने बाद हरिन पांड्या को जान से मार दिया गया था। इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने हमेशा तल्ख तेवर अपनाए हैं। हरिन पांड्या की जिस्म से जो गोलियां निकली हैं और जिस रिवॉल्वर से कहा गया कि हरिन पांड्या को मारा गया, उन दोनों की गोलियां मैच तक नहीं करती हैं। यही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। गुजरात हाईकोर्ट कहता है, वॉट क्लियरली स्टैंड आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द प्रेजेंट केस इज that the investigation in the case of murder of Shri Hariin Pandya has all throughout been botched up and blinkered and has left a lot to be desired. The investigating officers concerned ought to be held accountable for their ineptitude, resulting into injustice, huge harassment of many persons, and enormous waste of public resources and public time of the courts. To na sirf Hariin Pandya ki patni, बल्कि कई भारतीय जनता पार्टी नेता मसलन गोर्धन जड़फिया, सुरेश पटेल और इस मामले को आगे तक पहुंचाने वाले शख्स जनक परमार ने भी कहा है कि किस तरह से हरिन पांड्या मामले में सीबीआई ने बहुत ढिलाई बरती और इस ढिलाई के चलते ये मामला कहीं नहीं पहुंचा। ये खबर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म वायर पर आई है, मगर इस खबर को आपसे दूर रखा गया है क्योंकि इसे देखने के बाद, जैसे मैंने कहा ना, आप एंटी नेशनल कहलाएंगे। वैसे मैं नहीं जानता कि लोग किस तरह से आंखें मूंद कर आपके सामने सच नहीं पेश करते हैं, क्योंकि इन 5 मिनट में ही मेरा दम घुटने लगा। और अब वो दूसरी खबर जिसे देखकर आप एंटी नेशनल कहलाएंगे। इस शख्स का चेहरा देखिए, इसका नाम है पी साईनाथ, एक पत्रकार जो कि ग्रामीण मुद्दों की बात करता है, जो जमीन से जुड़े मुद्दों की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, दलितों की बात करता है, वंचितों की बात करता है। मगर हम इन्हें पत्रकार नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि मोदी राज में तो पत्रकार वो है जो हिंदू मुसलमान पर डिबेट करे, जो प्राइम टाइम में नफरत फैलाए, यानी कि जो असल मुद्दों से दूर रहे वो पत्रकार है। लिहाजा पी साईनाथ मेरे शब्दों में एक एंटी नेशनल है। और पी साईनाथ क्या दावा कर रहे हैं? पी साईनाथ ये दावा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उससे जुड़ा घोटाला रफाल से जुड़े घोटाले से भी बड़ा है। यह किसानों का नहीं बल्कि अनिल अंबानी और इंश्योरेंस कंपनी की बीमा योजना है। अगर फसल बर्बाद होगी तो पहले मुआवजा बीमा कंपनियों को मिलेगा, किसानों को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फसल बीमा योजनाओं में किसानों द्वारा दिए गए पैसे के अलावा जनता का भी 66,000 करोड़ रुपए लगा है। अनिल अंबानी की रिलायंस को हर जिले से 173 करोड़ रुपए मिले हैं, इसमें से उन्होंने वापस सिर्फ 30 करोड़ किए हैं इंश्योरेंस को लेकर, यानी कि हर जिले से फायदा सीधा 143 करोड़ का। और एक आरटीआई के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में बीमा कंपनियों ने 15,975 करोड़ की कमाई की है। अब जाहिर सी बात है, ये तो किसानों का मुद्दा है। किसानों को हम कब याद करते हैं? किसानों को तब हम याद करते हैं जब चुनाव आते हैं, तब हम किसानों के लिए आंसू बहाते हैं। और ये खबर आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये खबर है देश के अन्नदाता की। लिहाजा ना आप इस खबर को देखें ना उस पर आंसू बहाएं, इस पर आप सिर्फ सियासत कीजिए, उसके अलावा नहीं। यही वजह है कि अपनी जिम्मेदारी को समझकर हमने इस प्रेजेंटेशन में इस ब्लैक बैंड का इस्तेमाल किया था। न्यूज चक्र में इसी तरह से सत्ता के पीछे बैठे लोग, खासकर वो लोग जो जनता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, हम उनके खेल को समझते हैं। और अपना यह वादा हम हर हफ्ते इसी तरह से निभाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।